वेट वेट वेट, सुनो, हम ह्यूमंस ने जब से इस प्लेनेट पर जन्म लिया है वो सिर्फ एक ही चीज सोचता है, व्हाट इज रियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज रियल थॉट। तो फिर अपने कान खोलकर सुनो, आज जिस लूसी मूवी के बारे में अपन सब आज बात करने वाले हैं, उससे आप एक चीज तो समझ ही जाओगे कि हम ह्यूमंस का ब्रेन 100% लिमिट पर किस तरह काम करता है। पर वो तुम्हें कब पता चलेगा, जब तुम इस वीडियो को और इस मूवी को एंड तक देखोगे। अरे सुनो, तुम देखने वाले हो ना एंड तक? ओके, सो लेट्स प्ले दिस वीडियो। ज्यादा घूम फिरा कर नहीं, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करता हूँ। रुको, पहले हम इस मूवी की बेसिक सी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इस माइंड मास्टर लूसी मूवी को 2014 में रिलीज किया गया था और इसकी जो आईएमडी रेटिंग थी ना वो थी 6.4। खैर, ये बात तो मैं भी कहूंगा कि मूवी की जो रेटिंग है वो बहुत कम है। और हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मूवी गई तेल लेने। एक बार पहले तुम इस मूवी को खुद देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा। और हाँ, जो मूवीज तुम्हारे लाइफ में इंप्रूवमेंट ला सकती है उन मूवीज की मैं समरी वाली वीडियोस बनाकर लाता रहता हूँ, तो बेल आइकन दबाकर ऑन कर लेना। फिर मुझसे ये मत कहना भाई वीडियो तो आ गया पर मेरे को पता ही नहीं चला। ओ भाई बकवास मत कर, सीधा सीधा बताना इस मूवी में ऐसा है क्या। देखो, अभी जो हम ह्यूमंस का भी जो ब्रेन लेवल है वो अभी 2-3% है अकॉर्डिंग टू मी। बट किसी पर्सन का ह्यूमन ब्रेन लेवल ज्यादा भी हो सकता है, एंड एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। हाँ, मानी तेरी बात ठीक है, पर इस मूवी में ऐसा क्या होने वाला है ये तो बता दे कम से कम। देखो, जब कोई पर्सन अपने ब्रेन का 100% यूज करेगा, अब यानी कि इस मूवी के अंदर वो पर्सन कौन है, लूसी। तो एक बार अपनी इस खोपड़ी के छोटे से ढक्कन को खोलो और सोचो कि जिस पर्सन का ब्रेन लेवल 100% होगा वो ह्यूमैनिटी के किस लेवल पर होगा, सोचो एक बार। देख भाई, हमें ना तो सीधा सीधा ये बता दे कि इस मूवी को देख करके हमारा टाइम वेस्ट भी होगा या नहीं होगा। देखो, टाइम को तो मैं भी यहाँ पर बहुत वैल्यू देता हूँ, क्योंकि सुपर लाइफ में कुछ भी नहीं है। देखो, अब जो मैं बता रहा हूँ वो दिल से बताना और रियल बता रहा हूँ। इस मूवी को देख करके जो तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे उसकी जो तुम्हें वापस रिटर्न मिलेगी वो एकदम नेक्स्ट लेवल होगी। अरे चल ठीक है यार, पर कम से कम ये तो बता दे कि इस मूवी की बेसिक स्टोरी क्या होने वाली है। चलो यार, यहाँ तक तो ठीक है, तुम्हें मैं बेसिक स्टोरी बता ही देता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मूवी की पूरी स्टोरी बता दूंगा। देखो, इस मूवी के अंदर जो लूसी लड़की है उसको एक मीडियोकर सी लड़की बताया गया है। बट इस मूवी के स्टार्टिंग में होता क्या है, कुछ गुंडे लफंगे मिल करके, समझ रहे हो ना गुंडे लफंगे क्या होते हैं? हाँ, खैर तुम यहाँ पर तो तुम ज्यादा ही समझोगे गुंडे लफंगों के मामलों में। वो यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी बॉडी में कुछ केमिकल्स वगैरह डाल देते हैं। और अब आता है इस मूवी के अंदर ट्विस्ट, यानी कि जो केमिकल्स है ये लूसी की बॉडी में असर करना शुरू कर देते हैं। अरे तुम आता तो खाए मत, और कम से कम ये बता दे कि 100% लेवल पर हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करेगा। अब पूछा ना तुमने कोई ढंग का सवाल, ये जो प्रोफेसर है ये हॉल के अंदर की स्पीच दे रहा होता है, और ये प्रोफेसर अपनी स्पीच के अंदर ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस करेगा कि हमारा ह्यूमन ब्रेन किस तरीके से काम करता है। अरे तो मेरे भाई, उससे हमको क्या फायदा होगा? अरे जैसे प्रोफेसर ने बोला 10% ह्यूमन ब्रेन, तो ये मूवी तुम्हें एक तरफ तो प्रोफेसर को और एक तरफ मूवी को 10% लेवल पर ला करके खड़ा कर देगी। थैंक यू भाई, थैंक यू, ओके ओके देख लूंगा मैं। तो फिर जाओ और देखो कि हमारा ह्यूमन ब्रेन 100% लिमिट पर कैसा काम